Hey guys, welcome back to another video। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप जब भी माइनक्राफ्ट में कोई भी स्किन इक्विप करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एरर आता है, तो इस एरर को कैसे फिक्स करना है वो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये जो एरर है ना, ये मेरे फ्रेंड के फोन में आ रहा था, तो मैंने सोचा कि इस पे मैं एक वीडियो बना ही दूं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक अच्छी सी स्किन चूज करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं चूज न्यू स्किन के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक न्यू स्किन चूज कर दी है, तो यहाँ पे थोड़ी देर लोडिंग होने का वेट कर। और ये देखो भाई, सामने कुछ इस तरीके से एरर आ चुका है, That's not a Minecraft skin silly। तो इस एरर को कैसे फिक्स करना है वो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को जरूर से एंड तक देख लेना। तो चलो भाई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आपको गूगल को ओपन कर देना है और फिर यहाँ पे आपको सर्च करना है क्रिएट अ स्किन पैक। और जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपके सामने पहली वेबसाइट आ जाएगी, तो उसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो अभी आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रोल डाउन करना है और फिर आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको आपके स्किन का नाम दे देना है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी दे देता हूँ, दोनों जगह पे नाम दे देना है और फिर उसी के नीचे यहाँ पे आपको आपका माइनक्राफ्ट का जो वर्जन है ना वो सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं 1.20 लिख देता हूँ और उसके बाद अभी आपको यहाँ पे आपकी स्किन को सिलेक्ट कर देना है। ओके, तो अभी मैंने अपने फ्रेंड की माइनक्राफ्ट की स्किन को सिलेक्ट कर दिया है, तो ये देख सकते हैं कि कितनी ऑसम स्किन है। ओके, तो अभी आपको और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, फिर यहाँ पे आपके सामने डाउनलोड पैक का ऑप्शन आ जाएगा, तो उसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना, फिर यहाँ से आपको पैक को डाउनलोड कर देना है। ओके, तो उसके बाद अभी आपको प्ले स्टोर से ZRZR को डाउनलोड करके ओपन कर लेना है और फिर इसके डाउनलोड वाले फोल्डर में चले जाना है और फिर यहाँ पे आपको उस फाइल को ढूंढ लेना है। और जैसे आप उस फाइल को ढूंढ लेंगे तो उसके ऊपर एक बार लॉन्ग प्रेस कर देना है और फिर यहाँ से रीनेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपको .zip को हटा देना है। और जैसे .zip हटा दोगे तो यहाँ पे आपको ओके कर देना है और फिर उसी फाइल पे एक और बार क्लिक करके व्यू के साइड में जो एरो दिख रहा है उसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको माइनक्राफ्ट को ढूंढ लेना है, या तो आपको ऊपर ही मिल जाएगा या फिर नीचे जाके ढूंढना पड़ेगा, तो मुझे ऊपर ही मिल चुका है। तो उसको सिलेक्ट करके नीचे जो जस्ट वंस का ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपका माइनक्राफ्ट ओपन हो जाएगा, तो इसको ओपन होने देना है। और जैसे ही माइनक्राफ्ट ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपका पैक इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही पैक इंपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको ड्रेसिंग रूम वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना है और फिर यहाँ से आपको इधर क्लिक कर देना, फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर ये देख सकते हैं कि मेरे फ्रेंड की जो स्किन है वो यहाँ पे दिख रही है। तो मैं जैसे यहाँ से इक्विप कर दूंगा तो अभी मैं इसको इजीली यूज कर पाऊंगा। तो होपफुली आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, और अगर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आपके पास एक अच्छी सी स्किन नहीं है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि मैंने टॉप 10 बेस्ट स्किन दी है। ओके, तो चलो भी हम मिलते हैं इस तरह के अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।